बात यहाँ पर सबके कोई मतलब ना है। ये सब आदमी इसलिए ना समझते कि जे आदमी यहाँ पर जीत लो वो आदमी के गांव घर अपन जो है से यहाँ है ना, ओकर कोई दुख दर्द पीड़ा रहता है ना, ओकर बाल बच्चा पढ़ती अमेरिका में दिल्ली बम्बई बिल्डिंग रहता है, हम इनके कुछ ख्याल ना करता हूँ। सब आदमी खाली अपन बिजनेस व्यापार के बढ़ावे ली सब सांसद उसद के चुनाव लड़ो थे, सबके जनता से कोई मतलब न रहे, बात के समझना है। तो लगा लगे तो जे आदमी के बोली पर इतना आदमी जुट रहा है वो आदमी के बोली में कुछ तो बात है तबे जुट रहा है। तो बोली के बात और जो दम के बात है वो ये बात है कि वो आदमी कहले है बात के कि झारखंड में झारखंड के आदमी के रोजी रोजगार मिलना चाहिए, और जे हम इनके खेत बाड़ी पर सबके नजर है कि जहाँ कोयला निकल रहा वहां से खेत बाड़ी खत्म, जहां से लोहा निकल रहा वहां से खेत बाड़ी खत्म, जहां से अभ्रक निकल रहा वहां से खेत बाड़ी खत्म, जहां से तांबा निकल रहा वहां से खेत बाड़ी खत्म। झारखंड में बहुत जगह ऐसा भले नहीं, बड़ा बड़ा खदान बन गया, कोयला निकाल लेती वहां खेत बाड़ी सब खत्म हो गए, और ये हालत भले कि कोयला जहां से निकल रहा है वहां जमीन तो ले लेती, लेकिन जकर जमीन ले लल कर वो आदमी कल के बाद वहीं पर बगले में वो चाय के दुकान खोल के कैसे गुजारा करो है, और ओकर जमीन जो है से उठा करके मतलब ओकर जमीन से कोयला निकाल करके ओकर ओकर से बेदखल कर दो होती। तो मोटा मोटी 5-7 बात हम समझेबे और कहियो अब तो देर तक हम बात करबे। तो पहला बात ही समझना है कि झारखंड में झारखंडी आदमी को नेता बनाना है जो अपना माटी का है, अपना गांव समाज का है, अपने बीच का है, जो गरीब गुरबा का बेटा है उसको नेता बनाना है, और ये गरीब गुरबा का बेटा जो है वो झारखंड में टाइगर जयराम महतो है, तो ओकरा सपोर्ट करना है। और गरीब गोटे के दिमाग में बात आओ है कि टाइगर जयराम महतो गिरिडीह से लड़ ले थी, ती हजारीबाग के क्षेत्र है, तहिया कैसे वोट देवे, तो कैसे उसे आओ तो ठाकरे ले कि दिल्ली में बैठाना है मोदी जी के सबरे यहाँ वोट दे, तो वह तेरी यहाँ पर हम भले खड़ा ही है वोट मारवा तो है तो टाइगर जयरामे के जेता, चाहे गिरिडीह मार चाहे कौ मार, ठीक है हम यहाँ खड़ा है एक साथी के तौर पर। हमारा नाम संजय है, हजारीबाग के बरही के रहे लाइए। तो ये बात के समझना है कि अपन माटी के बेटा के वोट करना है। जो शुरू में बात कह लियो कि नेता सब बदल जाते, तो हम इनके बदले के एकदम चांस 0% हम कहे कि बिना पावर के बिना ताकत के बिना कोई कुर्सी के हमने सब गोटे 3 साल से लड़ लड़ के झारखंड में देख लिया होगा कि मजदूर सबके कितना मुआवजा दिए गया कंपनी से, ककरो बात पता है मोबाइल वाल में देखा है ने? तो हमें मुआवजा अगर दिए लिए बिना कुर्सी के बिना पावर के पुलिस के लाठी खा के केस मुकदमा खा के, तो जब एक बार आशीर्वाद दे दवा तो एक से कुछ अच्छे काम करबे। और इतना हम इनके शौक नखा है कि जितना ही सब यहाँ पर देखो दीदी सबके बहन सबके सब इतना लगल थी और गावे गावे सब गोटे जा रहा थी, और रात के 1 बजे तक मेहनत करो थी 7 बजे भोरे से, और वह डिप्टी हमरो 7 बजे भोरे से रात के 1 बजे तक, और सब आदमी इतना मेहनत कर ले थी हमार गला भी बैठ गला। तो इस तरह से इतना मेहनत खाली शौक से हम इन कोई पावर और कोई कुर्सी खातिर नहीं कर लिए, और ऐसे नहीं कि चुनाव अले तबे मेहनत कर लिए, हम 3 साल से एक पहले से मेहनत कर ली, और हम इनके ये इरादा ना है कि चुनाव लड़ना है, लेकिन सरकार से जब बात कह लिए सरकार नहीं मानल का तब मजबूरन हम इनके लड़ो पड़ रहा है। तो एक चिंता हम इनके गांव घर वाले कह लेते कि बाबू तो इनके बात ठीक हो तो इनके सपोर्ट करवाओ आशीर्वाद दबाओ, लेकिन इतना बड़ बड़ आदमी थी तो इन टीको पारवा कहावत है कि बड़ मछली जैसे छोट मछली के खा जाती, तो इतना बड़ा बड़ा आदमी जब हेलीकॉप्टर उड़े थी बड़ा बड़ा पैसा छीटा थी गाँव में दारू बांटा थी मुर्गा बांटा थी तब तो इन कहाँ टीको पारवा, एगो चिंता है। कह लिए कि देखिए दुनिया के कोई भी लड़ाई है खाली पैसे से और दरुबे मुर्गा से नहीं लड़ल जाए, जब इतना माए बहन सब आशीर्वाद दे देती और सर पर हाथ रख देती तो लड़ाई जीत जब ये बात के एकदम भरोसा रखना है, ठीक है। और अभी झारखंड के अंदर जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर ये गंडके है तो गंडके में गंडके के आदमी की मुखिया बने ले होगा न, दूसर जगह का आदमी तो नया मुखिया बना लेते गंडके गांव में है ने, यही बात है। तो झारखंड में अगर कोई विधायक कर सांसद बनते तो झारखंड के आदमी बने चाहिए ने, तो का हो रहा है कि बक्सर से आकर के आदमी यहाँ सांसद बन रहा थे, बिहार से आकर के सांसद बन रहा थे,
जयसिम जयंत सिन्हा, ठीक है बोलल। तो ई सब आदमी के चाल समझना है कि सब जीतला के बाद यहाँ पर सबके कोई मतलब ना है। ई सब आदमी इसलिए ना समझते कि जे आदमी यहाँ पर जीतला हो वो आदमी के गांव घर अपन जो है से यहाँ है ना, ओकरा कोई दुख दर्द पीड़ा रहता ना, ओकर बाल बच्चा पढ़ती अमेरिका में दिल्ली बम्बई बिल्डिंग रहता है, हम इनके कुछ ख्याल ना करता हूँ। वो सब आदमी खाली अपन बिजनेस व्यापार के बढ़ावे ली सब सांसद उसद के चुनाव लड़ो थे, सबके जनता से कोई मतलब न रहे, इस बात के समझना है। तो पहला बात तो ये समझ गया कि झारखंड के आदमी के झारखंड में नेता बनाना है, दूसरा माटी के आदमी के बनाना है, तीसरा बात ही कि अब तक हम बड़ बुजुर्ग से बतिया रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि खतियानी को जिताना है, तो सब कहेगा कि खतियानी तो एक आर बाबू आए हैं तो उसमें क्या करना है। तब उसमें ही करना है कि अगर एक के आदमी बार बार जर्सी बदल ले रहा है और दूसरा टीम में खेलने जा रहा है, इसका मतलब कि वो आदमी में आत्मविश्वास का कमी है और वो आदमी आपका कप्तान बनने लायक नहीं है, इस बात को आपको मान लेना है। असली कप्तान वही है जिसको कोई कुर्सी नहीं दिए हैं और 15-20 करोड़ मुआवजा दिला दिया टाइगर जयराम महतो, तो असली कप्तान को चुनना है, खतियानी में भी असली नकली आपको तय करना है। ये पहली बात हो। और बड़े बुजुर्गों आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ से कितने लोग ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो टेकलाल बाबू के पूरे लड़ाई को पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, कुछ तो होंगे यहाँ बड़ बुजुर्ग लोग, है ना। टेकलाल बाबू जिंदगी भर इस बात के लिए लड़ते रहे कि झारखंड के लोगों को हक अधिकार दिलाना है, झारखंड की माटी के लिए वो जिंदगी भर लड़ते रहे। और जहां भी उनको साग मिला, प्याज मिला, सतुआ मिला, भात मिला, माड़ मिला, खा खा करके संघर्ष किए। और उस व्यक्ति की शख्सियत को सलाम करना चाहता हूं कि कभी भी वैसी ताकतों के समक्ष वो नहीं झुके जो झारखंड विरोधी ताकतें थे, जो बाहरी ताकत थी। लेकिन आज की तारीख में ये हजारीबाग लोकसभा का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप सुनेंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि वास्तव में ये लड़के सही बात कह रहे हैं। और ठीक है, बात पूछ लो, 5 मिनट में पूछना है, फिर हमारा हर जगह जाना भी, 1 बजे रात तक एंट्री करना है। ठीक है बाबू, आप लोग भी समझिए, अभी तो वोटर ना ही बनाए वोटर बात, लेकिन समझना है हम क्या बात बोल रहे हैं। तो कहीं सबके बात पर ध्यान देना है कि अभी जब वोट होता है जेठ के महीना में, तो झारखंडी आदमी को वोट करना है, आपन झारखंड के बेटा के। और बहुत आदमी हथी जे कहतो कि हम वो झारखंडी ही है, लेकिन ओकर में चेक करना है कि एकर से पहले ओकरा मौका तो नहीं मिले ना, और अगर मौका मिल रहा है तो काम अगर मतलब ना करो के तभी ना इतना दुख दर्द है। इसलिए जे आदमी के मौका मिल रहा है और झारखंडी है और ठाकल का और फिर झारखंडी बन के आते ओकरा भी नहीं करना है। तो देखे तो हुआ वीडियो टाइगर जयराम महतो के मोबाइल में, तो हमें पूरा आंदोलन कर लिए 3 साल से झारखंड में आदमी के हक अधिकार दिले लिए, केस मुकदमा लड़ लिए। तो हमें एक बात कह लिया है तो उनके कि अगर जब वोट होता है तो झारखंडी आदमी के वोट करना है, माटी के आदमी के वोट करना है, खाटी झारखंडी के वोट करना है, खतियानी आदमी के वोट करना है, दूसरा जो दारू मुर्गा पर वोट लगा उसका वोट नहीं करना है, तीसरा बात कि बार बार नेते के तो बढ़िया ड्राइवर है के बाद भी बढ़िया मोटरसाइकिल नहीं चला सके, ठीक इसी प्रकार से आज हम इनके बढ़िया नीति के जरूरत है। तो हम इनके पूरा झारखंड के चाहिए दिलों के धड़कन, तो इनके जोरदार ताली के बीच में खोल के ताली बजा हुआ दिल खोल के कि हम इनके बाल बच्चा के भविष्य के लिए आज ये ले रहा थे। तो इनके जोरदार ताली के बीच में हम संजय मेहता के उम्मीद करें। धन्यवाद।